वेलकम टू टेस्टी खजाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयशा और आज मैं बना रही हूं रोहू मछली की करी। ये बड़ी वाली रोहू मछली थी जो 700 ग्राम है। तो ये हम मसाले देख लेते हैं। ये लहसुन है छोटे पीस की, ये 5 लहसुन लिया है मैंने, और 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 3 टीस्पून यहाँ पे राई दाना है, 1 टीस्पून यहाँ पे जीरा है, इसका हम पेस्ट बना लेंगे, और 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ही हल्दी है। फिश को मैंने पहले सिल पे रगड़ के 4 से 5 पानी से अच्छे से धो के इसे साफ कर लिया है ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। नमक और हल्दी को डाल के हम इसे मिक्स करेंगे और इस तरह से हिलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि चारों तरफ जो नमक और हल्दी है वो लग जाए। नमक पहले डाल देने से अच्छे से फिश में अब्सॉर्ब हो जाता है। इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मसाले तैयार हो गए, थोड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। और 2 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है मैंने, 1.5 चम्मच 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून ही नमक डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। टमाटर, ये एक बड़े साइज का टमाटर है जिसे मैंने बारीक बारीक कट करके डाल दिया है। मसाले बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मेथी दाना लिया है, तड़के में यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये देखिए तवा ले लिया है, हमें फिश को फ्राई करना है। थोड़ा सा तेल डाल के चारों तरफ फैला लेते हैं। पहले तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो थोड़ा सा हम मेथी दाना इसमें डालेंगे। मेथी दाने से के तड़के से फिश का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमेशा तेल जो है ऑयल वो आप सरसों का ही यूज करें। तेल अच्छे से जब गर्म हो गया है तब मैंने ये फिश डाला। आप देखेंगे कि हम नॉनस्टिक पैन की तरह तवा पे भी इसे फ्राई कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि तवा जब अच्छे से गर्म हो गया था तेल हमारा, तभी हमने फिश को डाला। चारों तरफ इस तरह से फैला लेंगे तेल को ताकि अच्छे से हमारा चारों तरफ से सारे फिश अच्छे से फ्राई हो जाएं। आप देखिए, ये देखिए फिश को मैं पलट रही हूँ, आप देख पा रहे हैं कि फिश हमारी नॉनस्टिक पैन की तरह ही हम तवे पे भी इसे फ्राई कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। चारों तरफ से इसे ऐसे ही फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से, और सारी मछलियों को इसी तरह फ्राई कर लेंगे। अब मैंने कढ़ाई ली है जिसमें हमें मसालों को भुनना है। हम करी बना रहे हैं तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून तेल डाला है। तेल अच्छे से जब गर्म हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 चम्मच यहाँ पे मेथी दाना डाला है मैंने, और थोड़ा सा जैसे ही ये चटकने लगे यहाँ पे 1/4 टीस्पून यहाँ पे हींग डाला है, इससे डाइजेशन भी अच्छी रहती है। मसाले जो हमने तैयार कर रखे थे उसे डाल देते हैं। हमेशा ढक के डालें, इससे फ्रेग्रेंस भी अंदर ही रहती है और जो छींटे भी नहीं पड़ते तेल के जो है। तो इस तरह सारे मसाले डाल देते हैं इसमें। थोड़ा सा पानी डाल देंगे अपने बाउल में, जो मसाले लगे हुए हैं उसे भी डाल देंगे। पानी डालने से मसाले जलेंगे भी नहीं और अच्छे से भुनेंगे। इसे पहले हिला लेते हैं स्पून से, फिर इसे ढक के हम बिल्कुल फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि जले नहीं। और ये देखिए हमारे मसाले तैयार हैं। लगभग मसालों को भुनने में मुझे 10 से 12 मिनट लग गए, और तेल और मसाले बिल्कुल अलग हैं। अब हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे इसमें। अपने मन पसंद जितना भी आपको ग्रेवी गाढ़ी या पतली रखनी है उसी हिसाब से आप पानी डालें। यहाँ पे मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। नमक और मिर्च को इस वक्त हम टेस्ट कर सकते हैं, हमें कम लगे तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो यहाँ पे 1/4 टीस्पून नमक मैंने डाल दिया है। आप देखिए जैसे ही हमारी करी में बॉयल आना शुरू हो गए तो अपने फिश डाल देते हैं। आपने देखा फिश बनाने में बहुत कम टाइम लगा हमें, हमने बहुत ही टेस्टी मसालों के साथ हम बना रहे हैं। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगेगा। एक साइड में मैंने फ्राई कर लिया और दूसरी साइड में भून लिया, कम टाइम भी लगा। इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। ये देखिए हमने 10 मिनट तक इसे पकाया लो फ्लेम पे। इस तरह से पकाने से मसाले जो है अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हमारी फिश करी बिल्कुल तैयार है। इसे आप 15 से 20 मिनट के बाद अगर सर्व करते हैं पकाने के बाद तो इसका टेस्ट लाजवाब लगता है। तो इसी तरह से आप भी बनाए फिश करी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।